हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेसाइस किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड के बहुत ही स्पंजी रसगुल्ले, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड के स्पंजी रसगुल्ला बनाना। ब्रेड के स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिए है ये 10 ब्रेड स्लाइसेस, ये एकदम सॉफ्ट है। और 2 चम्मच लिया है मैंने मिल्क पाउडर, और 1 चुटकी लिया है मैंने खाना सोडा, जिससे हमारे स्पंज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होंगे। आधा कटोरी ली है मैंने चीनी, और ये लगभग 150 ग्राम चीनी है। और 1 ग्लास चाहिए हमें दूध, ये मैंने गुनगुना दूध लिया है। और आधा लीटर चाहिए हमें पानी। तो सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से सभी ब्रेड के किनारे निकाल देते हैं। देखिए, सभी ब्रेड के मैंने किनारे निकाल लिए हैं। और अब ले लेते हैं एक बाउल, और इसमें मैं इसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल लूंगी। सभी ब्रेड के पीसेस देखिए मैंने कर लिए हैं, और अब इसमें डाल लेती हूँ मैं ये बड़ा वाला चम्मच 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि जो हमारे स्पंज है बिल्कुल नेचुरल लगेंगे, जैसे कि हमने दूध को फाड़ कर बनाए हैं। और ये थोड़ा खाना सोडा, इसको भी इससे डाल लेते हैं, जिससे अच्छे से फूलेंगे। और इसमें हम हल्का गुनगुना दूध लिया है मैंने, तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। दूध आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, और एकदम इसको नरम आटे की तरह। देखिए, ब्रेड को गूंद कर देखिए मैंने इसको आटे की तरह बना लिया है। और इस आटे को बनाने के लिए मुझे 2 चम्मच करीब दूध की ज़रूरत पड़ी है बस, बाकी के साइड में रख देते हैं। आटा देखिए हमारा तैयार हो गया है ब्रेड का, तो इसे मैं थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ, और कढ़ाई में चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में पहले पानी डाल देते हैं। और चीनी डाल देते हैं, और इसको हम चला देंगे एक बार। अब हम रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हाथ का तेल ले लिया है, जिससे जो हमारे ब्रेड का आटा है इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है, जिससे वो हल्का सा चिपकता है तो वो चिपकेगा नहीं। देखिए इस तरह से, और जितने बड़े रसगुल्ले बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग लोइयां बना लें। देखिए, रसगुल्ला मैंने इस तरह से बना लिया है, और इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ, और इसी तरह से फिर से बना लेते हैं। देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए, रसगुल्ले मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, और उधर हमारी चाशनी भी रेडी है, तो बस इसको इसमें डाल देते हैं। तो देखिए, रसगुल्ले को एक एक करके चाशनी में डाल देते हैं। सभी रसगुल्ले डाल दिए हैं, और इसे मैं ढक देती हूँ, और 5 मिनट इसको इसी तरह से उबलने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं देखिए, और रसगुल्ले भी हमारे बनके एकदम रेडी हैं। देखिए, ये फूल गया है रसगुल्ला हमारा। तो गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं, और इसे ठंडा करके हम सर्व कर लेंगे। रसगुल्ले बनके हमारे रेडी हैं, और बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बने हैं। और इसे मैंने थोड़े से ये पिस्ते से गार्निश कर दिया है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।